हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप का न्यू अपडेट आ चुका है और ये अपडेट अब तक का सबसे क्रेजी और सबसे बड़ा अपडेट होने वाला है। तो यह अपडेट ने गेम को टोटली चेंज कर दिया। गेम में काफी सारे न्यू फीचर आ गए, काफी सारी न्यू चीजें गेम के अंदर ऐड हो चुकी है। गेम मतलब अभी पुराना गेम बिल्कुल भी नहीं रहा, टोटली गेम न्यू हो चुका है। ठीक है, तो इस अपडेट में हमें क्या क्या अच्छा देखने मिलेगा, क्या क्या बुरा देखने मिलेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यह अपडेट के अंदर चार नई कार आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ नई कार आने वाली है, तो ये सारी कार आप इजीली कैसे ले सकते हो वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, और जिसको भी अपडेट में प्रॉब्लम हो रही वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले ना हमारा जो शोरूम है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा मस्त बन चुका है। देखो अब इसका दरवाज़ा भी कितना बड़ा हो गया। मैंने लास्ट टाइम बोला था ये गेम में सब कुछ सही है, बट इसका शोरूम सही नहीं बड़ा। अभी देखो शोरूम क्या बढ़िया बन चुका है, अंदर काफ़ी सारे सोफे वोफे लग चुके, दो दो सोफे, इतने सोफे की क्या जरूरत थी, कोई आता तो नहीं इधर बैठने। और वो देखो पेंटिंग वेंटिंग लग चुके। सबसे पहले देखो मैं आपको डेकोरेशन के अंदर बताऊंगा, अपग्रेड के अंदर बताऊंगा, और यहाँ पे कुछ नहीं गाइस, वो बैंक वैंक वो जो पुराना है ना वो सब सिस्टम यहीं पर मिलने वाला है। बट हमें डेकोरेशन के अंदर काफ़ी सारे न्यू फीचर मिलने वाले। देखो अभी अपना शोरूम ऐसा है, अपन इसको ना काफ़ी ज़्यादा चेंज करवा सकते, इसकी देखो वॉल वॉल एकदम मस्त से चेंज करवा सकते। अभी इसका लुक ना अपन अपने हिसाब से बहुत ही बेटर बना सकते हैं। पहले इतना बढ़िया नहीं लगता था, बहुत ख़राब लगता था, बट अभी ना बहुत बढ़िया बन चुका है। इसको अपन कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, मतलब बड़ा छोटा नहीं कर सकते, बट ये सब कुछ अपन बहुत ही मस्त बना सकते। तो अभी और देखते हैं हम अपने शोरूम को डेकोरेट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हम इसकी जो बगल की वॉल होती है वो भी यहाँ पे देखो हम क्या लगा सकते हैं, पिलर लगा सकते हैं। यहाँ पे तीन चार तरह के हमें ऑप्शन मिल गए, जिसमें ये पिलर मेरे को सही लग रहा है, उसके बाद में ये ट्री और इस साइड में थोड़ी ग्रास ये भी मस्त लग रहा है, बाकी की ये इतना सही नहीं यार, ये इतना सही नहीं है, और बाकी चीज़ें तो ठीक है। अंदर की वॉल वॉल भी चेंज करवा सकते हैं, मतलब ये तो पहले भी करवा सकते थे, बट अभी ना बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा फीचर अपने को मिल गए, कुछ एक्स्ट्रा वॉल के कलर और कुछ अपने को नीचे की टाइल्स है ना वो भी मिल गए। अभी घर वर में भी अपन चेंज करवा सकते हैं, ये सब चीज़ें अपन अभी नहीं देखेंगे, वो तो अपन अपने सीरीज़ में देख ही लेंगे। ठीक है, तो अपने जो शोरूम को ना अपन बहुत मस्त तरीके से अभी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। उसके बाद में हमें ना न्यू कार भी देखने मिलेगी। और देखो भैया सामने देखो क्या क्या बदल गया जी, अपनी तो ये पुरानी वाली कार से निसान GTR VTR। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ और आपको सब कुछ समझाता हूँ इस गेम में क्या क्या आपको न्यू देखने मिलेगा। सबसे पहले अपना जो यहाँ पे जो गैरेज है ना वो तीनों गैरेज अपग्रेड हो चुके हैं, ये भी सब कुछ चेंज हो गए। यहाँ पे देखो ये कैसा था, मतलब पहले एकदम पुराना वाला था, अभी देखो क्या मस्त बन चुका है। इसके बाद में कुछ न्यू फीचर आया क्या? वैसे मेरी कार ये डैमेज नहीं है तो इसको मैं रिपेयर नहीं करवा सकता। यहाँ पे कोई न्यू फीचर नहीं आया, बस यहाँ पे ना जो ये अपग्रेड हो चुका है गाइस, इसका जो डेकोरेशन था ना अभी बहुत मस्त हो चुका है, पहले ना बहुत ही खच्चर सा था, अभी एकदम नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे देखो यहाँ पे अपना जो ऑटो टर्निंग कर सकते हैं और पेंट करवा सकते हैं वो सारे एकदम मस्त चेंज हो गए। और अपना जो जंक यार्ड है गाइस ये भी चेंज हो चुका है, पहले तो ठीक ठाक था अभी भी सही है, अभी थोड़ा बड़ा बन चुका है। इसको यहाँ पे एक छोटा सा घर भी मिल गया, ये इधर ही रहता है, ये बंदा वहीं पर खड़ा है और वहाँ पे उसको छोटा सा घर भी है, वहीं पर जाके वो सो जाता होगा। अभी तो ये तो शुरुआत है गाइस, ये अपडेट ना इतना बड़ा है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अभी मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर आप चैनल पे न्यू हो ना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करना आपको ये अपडेट कैसा लगा। और जिसको अपडेट नहीं मिला है ना वो मेरे को बता दो, अपन उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इंस्टाग्राम की लिंक देके रखी मैंने, वहाँ पे जाके फॉलो कर देना। और गाइस पहले ऑक्शन का लुक कैसा था और अभी क्या बन गया गाइस, अभी मैं बोलता था ना गाइस कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप जो ना कॉपी कार फॉर सेल PC का, बट अभी ऐसा बोलने का मेरे को चांस नहीं रहा गाइस, ये गेम ना अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। देखो ऑक्शन में कितना ज़्यादा चेंज हो गया, सब कुछ चीज़ें तो एकदम मस्त चेंज हो गई, मतलब बढ़िया बन गया। बट ओके सामने वो क्या है, ये चीज़ क्या गाइस, सामने ये चीज़ है क्या गाइस, यहाँ पे कुछ तो क्रेजी गाइस, यहाँ पे क्या देखने मिलने वाला आप पे। ओके ये कार मार्केट है जो अभी बहुत ही बढ़िया बन चुका है, ये तो मेरे को बहुत सही लगा। अभी देखो यहाँ पे मतलब मस्त छप्पड़ ओप्पड़ आ गया, पहले ना बारिश वारिश हुई ना तो कार गंदी हो सकती थी, वैसे बारिश तो होती नहीं थी कभी। और इसके बाद में मेरे को देखने का विलेज में क्या क्या चेंजेस आए, विलेज है ना अपना पुराना वाला विलेज मतलब सही तो था, बट अभी क्या चेंज आए। ओके गाइस अपना जो कंटेनर है ना यहाँ पे तीन चार कंटेनर किसके आ गए, अभी मैं अकेला रहता था यहाँ पे, तीन चार कंटेनर आ गए। यहाँ पे एक पेट्रोल की कैन है बट वहाँ पे ले नहीं सकते अपन, कंटेनर थोड़ा अपग्रेड हुआ है मतलब नॉर्मली अपग्रेड कर दिया है, और पीछे दो तीन कंटेनर एक्स्ट्रा लगा दिए गए। और जो बगल में जो ये था वॉल ना अभी ये नेट की वॉल हो गई, पहले अलग वॉल थी, अभी ठीक है। कंपाउंड थोड़ा चेंज हो गया, ये तो ठीक है इसमें इतना बढ़िया नहीं, मतलब थोड़ा चेंज कर दिया है, मतलब सब कुछ चेंज करना था इन्हें ना तो इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। मेरे को विलेज में देखना है विलेज में क्या क्या चेंज हुआ है, जिस साइड में जो गली होती है ना वहाँ पे क्या कार सभी बिकने वाली है क्या। ओके ये वाली गली में पहले कार नहीं बिकती थी और अभी भी यहाँ पे कोई भी कार नहीं है। ठीक है यार थोड़े घर वर है ना इनका थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो गया, मतलब थोड़े घर वर ना टोटली चेंज हो गए, पहले एकदम अलग होते थे और अभी एकदम अलग बन गया। और सामने ना विलेज में अपनी तीन नहीं चार नई कार आई ना,
उसमें से कौन सी विलेज में मेरे को मिलेगी। देखते यहाँ पे वैसे तो पुरानी कार लगी थी यहाँ पे सब, तो वो कार क्या कार मार्केट में मिलेगी या फिर ऑक्शन में मिलेगी वो तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा। और सारी कार आपको इजीली ले भी सकते हैं आप, इतना मुश्किल नहीं होगा आपको कार लेना। और अपना घर वर तो वही पुराना घर है गाइस, तो ये क्या इसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो गाइस अभी ना मैं आ चुका ऑक्शन के अंदर, और अभी मैं ऑक्शन के अंदर आपको कोई रियर कार बाय करके दिखाऊंगा। वैसे ऑक्शन में ना आपको रियर कार मिलती नहीं, बट अभी मिल जाएगी। देखो अभी न्यू अपडेट के बाद में जो नई चार कार आई ना, वो दो कार ना ऐसे मतलब किधर भी मिलेगी, ऐसे मार्केट वार्केट में मिल जाएगी, पर दो कार ज़्यादा रियर है तो वो मिलेगी ऑक्शन के अंदर। और यहाँ पे देखो क्या आएगा, तो यहाँ आ चुकी है हमारी फर्स्ट न्यू कार ऑडी R8, जिसकी प्राइस लगभग 4 लाख 5 लाख तक तो जाएगी। मेरे को बताएं 5 लाख तक इसकी प्राइस जाने वाली है। तो अभी बीट लगा के देखते इसकी प्राइस जाएगी कहाँ तक। ओके देखिए अभी 5 लाख तो पहुँचने वाली, देखते 5 लाख क्या पहुँच पाएगी। 4,83,000, 4,80, ओके ठीक है अभी 4,91 हो गया, 4,99, 5,29, ठीक है देखते 5,29, ओके 6 लाख तक जाएगी क्या। ओके मेरे को लगता है अभी है ना 6 लाख तक जाने वाली है। क्या ये कार मैं इसको 10 लाख में सेल कर पाऊंगा। ओके 6 लाख के आसपास ये कार अपने को मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो गाइस फर्स्ट वाली कार तो अपने को ऑक्शन में मिल गई। ये कार ना मेरे को लगता है ये कार ना नॉर्मली किधर और भी मिलनी चाहिए, मतलब ये कार ना जो PC वाला गेम ना उधर किधर भी मिल जाती है, तो यहाँ पे तो मेरे को ऑक्शन में मिली। देखते ये अपने को मार्केट वार्केट में मिलती या फिर नहीं मिलती, इधर तो ये ऑक्शन में मिल गई। ठीक है ये तो अपने को मतलब 6 लाख के आसपास मिल गई। अभी देखते गए अपन इसके बाद में और 3 कार बाकी गई, वो कार भी अपन बाय करेंगे और उसकी प्राइस कितनी जाएगी वो मेरे को नहीं पता, पर देखते कितनी जाएगी। इसको तो मैंने इजीली बाय कर दिया, बट मुझे इसका लुक चेक करना है कैसा है इसका लुक रियलिटी में। ओके सही तो लग रही है, दूर से एकदम सही लग रही है। ओके गाइस लुक एकदम मस्त है, बहुत तगड़ी लग रही है गाइस। ऑडी R8 भाई, इसकी स्पीड इतनी तेज तो होगी, बट अपने निशान की इतनी नहीं होगी, इसकी स्पीड भी मेरे को चेक करनी पड़ेगी। बाद में अपन इसकी स्पीड भी चेक कर देंगे, अभी ना तो इसको मैं छोड़ देता हूँ इधर ही, अभी मैं बाकी चीज़ें देखता हूँ। और गाइस यहाँ पे देखो गाइस ये क्या था गाइस, रेड बार था, और इसका तो नाम ही चेंज हुआ, रेड बार अभी नहीं रहा गाइस, अपन इसको भी रेड बार नहीं कह सकते, बार स्टार, अभी बार स्टार भी नहीं यार वो, ठीक है थोड़ा अजीब स्टार है बट स्टार तो है गाइस। तो बार का नाम तो इन्होंने चेंज कर दिया, और इसको डेकोरेट ना बहुत सही कर दिया, मतलब बहुत सही। ठीक है इसके बाद दो चीज़ें आने वाली थी वो अभी नहीं गई, ये वाला अपडेट में नहीं आई है, जो पुराना सिस्टम था वही अभी इसके पास में, एक टैबलेट बेचता है, कैमरा बेचता है, अभी वो दो चीज़ें कब लाएंगा पता नहीं। और अंदर का देखो भाई पूरा लुक बदल गया, टोटली चेंज हो गया गाइस। भाई डेवलपर्स ने ना बार को भी इतना ज़्यादा अपग्रेड कर दिया ना, बार को अपग्रेड करने की क्या जरूरत थी, बट कर दिया गाइस, नेक्स्ट लेवल होगा। अंदर का देखो बेटा यहाँ का भी थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब ठीक है यार यहाँ पे भी एकदम मस्त होगा, ये डोर अभी भी नहीं खुलता है, वैसे बाहर से जा सकते हैं। और अभी मैं ठीक है यहाँ पर आ ही गया, तो एक डाव तो खेल लेते गाइस, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, एक ही अपन लगा के देखेंगे क्या मैं जीत पाऊंगा। ठीक है मैं जीत जाऊंगा यार, मेरे को बताएं अगर मैं जीत गया तो ठीक है जीत ही गया यार मैं, बहुत आज़ादी जीत गया मैं, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है मैं जीत गया ना। ठीक है अभी निकलते हैं, अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखने की रहेगी गाइस, ये तो अभी भी शुरुआत ही गाइस, मतलब आधा आपने देख लिया, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें देखने की बाकी। चलो यार अभी ना मेरे को ड्रैग रेस करनी है, और ड्रैग रेस में क्या नया सिस्टम है, ड्रैग रेस में क्या क्या चेंज हुई वो भी देखना पड़ेगा। और ड्रैग रेस सामने मेरे को वहाँ पे कुछ तो चेंज दिख रहा है गाइस, और यहाँ पे थोड़ा अपनी कार ना कुछ ज़्यादा ही ड्रिफ्ट मार रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको भी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना जो कार है ना कुछ ज़्यादा ही अभी ड्रिफ्ट मार रही है वैसे। ठीक है ओके ये देखो ड्रैग रेस ना, मतलब यहाँ पे बंदा तो एक ही खड़ा है, बट यहाँ का देखो भैया ये पूरा लोकेशन चेंज हो गया, टोटली लोकेशन चेंज कर दिया, यहाँ पे मैं ऊपर नहीं जा सकता हूँ, ठीक है ऊपर नहीं जा सकते यहाँ से। और पीछे का जो लोकेशन है वो टोटली चेंज होगा, वहाँ पे देखो बड़ा सा एक ड्रैग रेस है, और ये बंदा भी बीट कितने की लेगा। ओके ये बंदा 454 की बीट ले रहा है, ओके ठीक है यार इन लोगों ने अभी भी बीट है सस्ती वाली बीट लेते यार, मतलब थोड़ी ज़्यादा बीट लेनी चाहिए, मतलब 10,000 के आसपास तो इन वालों बंदों ने लेनी चाहिए, और जिसकी महंगी कार है ना उन्होंने 50, 60, 70, 1 लाख तक बीट लेनी चाहिए, बट इसमें बीट ना बहुत कम लेते आ रही थी, वो थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर है, बीट इतने सस्ती वाली लेते हैं ना। यहाँ पे देखो थोड़ा कलर चेंज हो गया, जो ड्रैग रेस में ना पहले थोड़ा नॉर्मल कलर होता था, अभी थोड़ा देखो कलर थोड़ा चेंज हो गया, पहले ना थोड़ा अलग रहता था, अभी बाकी ये बंदे वही है पुराने, सब कुछ वैसा ही है, पर थोड़ा इसको थोड़ा ग्राफिक थोड़ी चेंज कर दी इन लोगों ने। और अभी सामने ना ऑडी TT है, तो TT को हराना तो बहुत ईजी गई, बहुत ही आराम से हरा देगी, निशान GTR एकदम आराम से इसको हरा देगी। ठीक है तो ये बस कुछ एक्स्ट्रा हो गई क्या, पहले इतनी बस नहीं होती थी यार, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, बट मेरे को लगता है इतनी सारी बस नहीं होती थी वहाँ पे, अभी थोड़ी बस ज़्यादा हो गई ऐसा लगता है मेरे को पता नहीं, आकर आपको बताऊंगा ना, कमेंट करके बता देना, मेरे को याद नहीं इतना, बट अभी देख के ऐसा लगा कि अभी ना कुछ ज़्यादा बस वहाँ पे। ओके गए तो अभी यहाँ पे गैस स्टेशन का थोड़ा कलर वाला चेंज हुआ है, बट बाकी सब पुराना वही सिस्टम लग रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ इधर, कुछ चेंज नहीं हुआ गैस स्टेशन में, वैसे चेंज करने की जैसा कुछ था भी नहीं और हुआ भी नहीं, वैसे अंदर हुआ तो क्या पता। ठीक है और यहाँ पे देखो मेरे को कार पेंट के अंदर देखना है
क्या यहाँ पे कोई न्यू फीचर ऐड हुआ? पहले ना वो कलर सेलेक्ट करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, अभी भी वैसा ही गाइस, ये सही नहीं यार, ये बहुत ही गलत है यार। मैंने अभी आपको एक न्यू गेम के बारे में बताया था, मतलब ऐसा ही गेम था बट उसके अंदर ना कलर का सिस्टम ना थोड़ा अलग था, उसमें इजीली कलर अपन चेंज कर सकते थे। यहाँ पे ना वो लाइन बहुत छोटी छोटी होती तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है और कुछ कुछ लोगों से हो ही नहीं पा रहा है, तो वो मेरे को कमेंट करते भैया व्हाइट और ब्लैक ही हो रहा है, तो उस लाइन को अपने को थोड़ा खींचना पड़ता है। यहाँ पे मेरे को देखना यार, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। क्या इसमें कुछ न्यू सिस्टम ऐड हुआ है? कुछ तो न्यू ऐड होना चाहिए, देखते चेक करके क्या कुछ इसने इस बंदे ने कुछ नया लाया क्या। वैसे सब कुछ तो पुराना ही लग रहा है, रेसिंग किट ये सब तो सब कुछ पुराना ही था, ये इसमें कुछ नया नहीं। सस्पेंशन तो ठीक है यार, प्लेट वैसे इसका कलर वेलर तो ये भी पुराना सब सिस्टम है। मेरे को नंबर प्लेट में देखना है, कोई नंबर प्लेट नहीं आई क्या? नहीं यार, ये सब पुरानी नंबर प्लेट है। और व्हील्स में भी वही पुराने व्हील्स है, मतलब ये बंदे ने कुछ भी अपग्रेड नहीं किया, इसने भी बस बाहर से इसका कलर वाला चेंज करवा दिया और अंदर कुछ भी नहीं किया इसने भी। और गाइस अभी आ चुके हम कार मार्केट में, कार मार्केट फाइनली ओपन हुआ है और जो कार से नहीं, जो चार नई कार आई ना उसमें से कुछ कार अपने को कार मार्केट में मिल ही जाएगी। मेरे को पता, और ये देखो गाइस मुस्टैंग जीटी ना कार मार्केट में मिल जाती है, इसकी प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है मैडम, इसकी प्राइस कितनी? इसकी प्राइस देखो गाइस, इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस 41,000 है। इसको मैं 30,000 में भी बाय कर सकता हूँ अगर ज़्यादा डैमेज हुई तो, ये ज़्यादा डैमेज नहीं, 35 में मैं इसको बाय कर लूँ एकदम आराम से। देखो गाइस अपनी फर्स्ट मुस्टैंग मैंने इधर बाय कर ली, तो अपने को मुस्टैंग अगर आपको चाहिए ना तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। और एक नई कार है ना जो अपने को इधर मिल जाएगी, ठीक है एक बार चेक करने दो मेरे को, किधर है वो, किधर है? इधर तो नहीं लग रही हो, ये भी तो नहीं है गाइस। और गाइस वो रे गाइस मेरे को दिख गई वो, ये रे गाइस देखो गाइस, ये अपनी एक और नई कार, ये भी गाइस बहुत मस्त कार है, ये गाइस मर्सिडीज कूपे, तो इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है गाइस, 71,000 है। इसको भी अपन 60,000 में बाय कर सकते हैं, मर्सिडीज कूपे भी इधर मिल जा रही है। एक कार गाइस, एक और कार बाकी, मैंने तीन कार तो आपको दिखा दी, उसका नेम मैं आपको बताता हूँ, वो है गाइस फोर्चे भी नई कार आ चुकी है, वो ना आपको थोड़ी मुश्किल से मिलेगी, उसको मतलब ढूंढना ना थोड़ा मुश्किल होगा, जैसा निसान GTR को ढूंढना मुश्किल था ना वैसा उसको ढूंढना भी मुश्किल है। वो आपको ना कार ऑक्शन के अंदर मिलेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्शन करने पड़ेंगे तभी वो कार मिले आपको, इतना इजीली आपको वो कार नहीं मिलेगी, ऐसे मतलब थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा। और तो ये आपको ये तीन चार कार है और बाकी फीचर तो आप सभी ने देख लिए। तो गाइस ये अपडेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना, और जिसका अपडेट नहीं हो रहा है ना तो वो कुछ भी मत करो, थोड़ा वेट कर लो, और जो आपका प्ले स्टोर हो रहा है ना उसका मतलब डाटा वाटा क्लियर करके देख लो, आपका अपडेट आ जाएगा, वरना आज नहीं तो कल आपको मॉर्निंग तक तो अपडेट मिल ही जाएगा। ऐसा टेंशन लेने की ज़्यादा बात नहीं, कुछ कुछ डिवाइस में ना थोड़ा लेट होता है वो, तो ज़्यादा टेंशन नहीं। और आपको जो भी पुरानी मतलब ये नई वाली रियर कार चाहिए ना, इसके लिए कुछ भी नहीं, आपको बस कार मार्केट में मिल जाती है, दो तीन ऑक्शन के अंदर भी मिल जाती है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्शन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।